नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। एक नया दिन और एक खूबसूरत से सुबह के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल हाईवे टॉक्स पे। तो दोस्तों, दरअसल आज हम हमारे लोकेलिटी पे एक प्लेस है जिसका नाम है बथला वैली, तो उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि दरअसल दोस्तों उसी प्लेस पे एक मंदिर है, माता रानी का टेम्पल। तो आज दरअसल हम उसी टेम्पल को विजिट करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसी के बारे में, मतलब उस टेम्पल के बारे में आपके साथ शेयर भी करने वाले हैं और आसपास के कुछ फूड्स को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम रास्ते पे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और मेरे राइट पे आप जो ये कंपनी देख सकते हैं टीरेक्स लिखा है। दरअसल दोस्तों ये एक हाइड्रा और जेसीबी ये सब पोकलेन ये सब बनाने का कंपनी, बहुत ही बड़ा कंपनी है इधर का। दोस्तों मेरे राइट पे अभी जो कंपनी आप देख रहे हैं तो ये है नेरोलक की कंपनी, और नेरोलक को कौन नहीं जानता, पेंट के नाम से, नेरोलक पेंट के नाम से हर कोई नेरोलक को जानता है। हम अपने घरों में नेरोलक का इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट वगैरह कराते हैं, तो ये एक जाना माना कंपनी है। तो ये कंपनी का एक ब्रांच भी इधर है होसुर में। अभी फिलहाल मेरे राइट पे जो कंपनी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया कंपनी है, आज ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। पता नहीं ये कौन सी कंपनी है, लेकिन एक नया कंपनी खुला है आसपास में, जैसे कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मतलब कंपनी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों अभी राइट पे मेरी जो कंपनी आप देख रहे हैं तो ये दोस्तों दरअसल जेनेक्स करके एक कंपनी है, जो कि एक मार्बल कंपनी है, जेनेक्स ग्रेनाइट करके इसका नाम है। और मतलब ये ज़्यादातर दोस्तों टाइल्स वगैरह बनाती हैं। तो दोस्तों और ये जो कंपनी आप देख रहे हैं सामने मेरे राइट पे, ये है इंटरनेशनल स्टोन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ की बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों, बहुत ही बड़ी कंपनी। और दोस्तों अभी फिलहाल हम आ गए हैं मतलब मंदिर के रोड पे, आप इधर से देख सकते हैं देवी माँ की कितनी बड़ी प्रतिमा है। ये मुझे दोस्तों ये मतलब एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन देवी माँ की जो इतनी बड़ी प्रतिमा है इसकी हाइट कम से कम 30 से 40 फुट के आसपास होगी। मतलब कैमरा में इतना ज़्यादा अच्छे डिटेल्स में ये नहीं बता पाता, लेकिन दोस्तों मेरी माने तो ये बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी मूर्ति है, बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। तो अभी हमें रोड क्रॉस करना पड़ेगा, तो हम अभी रोड क्रॉस करके सामने चले आए। तो दोस्तों इधर से मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि कैसे कितना अच्छा दिखता है, मतलब क्लोज से कितना अच्छा दिखता है और कितना बड़ा भी दिखता है ये प्रतिमा देवी माँ की। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम मंदिर के ठीक सामने ही हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है देवी माँ की प्रतिमा, बहुत ही बड़ी है। और आज मतलब दोस्तों थोड़े बादल के वजह से ये इतना ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन दोस्तों सच माने कि बहुत ही मतलब खूबसूरत सी प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत सी मंदिर है। तो मैं अपने दोस्त को भेजा तो आसपास जाके पूछेगा कि मतलब मंदिर का एंट्रेंस वगैरह कहाँ पे है और कैसे के मंदिर के अंदर जाते पूजा वगैरह करते हैं, या यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह है भी या नहीं, ये सब पूछने के लिए। तो दोस्तों वो गया था पूछने के लिए, आसपास में कुछ लोकल स्टोर्स में हम लोगों ने पूछताछ किया, तो वो लोगों ने बताया कि मतलब मंदिर के अंदर मतलब अननोन को अलाउ नहीं करते हो, मतलब अनजान लोगों को अलाउ नहीं करते। फिर भी हम जब बताए कि हम 2-3 महीने से यहाँ पे हैं तो वो लोग अलाउ किए, लेकिन उन्होंने देखिए तो दोस्तों ये हम मंदिर के ठीक सामने ही है, मंदिर का सामना फ्रंट गेट है, यहाँ पे एंट्रेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, वो हमें कैमरा अंदर अलाउ नहीं किया, मतलब वो मना किए, सब मना कर दिया कि कैमरा आप अंदर लेके नहीं जा सकते, तो इसीलिए हमें कैमरा दोस्तों बाहर ही रख के जाना पड़ा। बाकी दोस्तों मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। भरा पूरी और करी भी देना साथ में, करी तरकारी, आलू सब्जी हाँ चले। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मेरा दोस्त का खाना लग गया और हमारा खाना भी आने ही वाला है, तो ये आ गया हमारा खाना, मस्त तो दिख रहा है, देखते खाने के बाद पता चलेगा कैसा लगता है खाना, वाह बढ़िया है। फिलहाल दोस्तों हमारा खाना हो गया ख़त्म, अभी वक्त है वापस जाने का। लेकिन दोस्तों जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, जो होटल में हम खाए
दोस्तों उनका हॉस्पिटैलिटी कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मतलब वो लोग जिस तरीके से हमें ट्रीट किए वो बहुत ही अच्छा था। दोस्तों उनका खाना तो अच्छा था ही, लेकिन उससे अच्छा था उनका बिहेवियर। दोस्तों ये मुझे पता नहीं कि कहना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन वो खाना तो बेच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बातें भी बेच रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा अच्छी बातें कर रहे थे ना वो लोग, मतलब मुझे लगा नहीं कि मैं अभी घर से दूर हूँ, मुझे लगा कि ये अपने मतलब फैमिली में से कोई है। इतने अच्छे तरीके से वो मतलब खाना परोस रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे। ये चीज़ दोस्तों मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अभी तो फिलहाल हम घर के लिए जा रहे हैं, तो मंदिर का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा भी आया, लेकिन दोस्तों माफ़ करना, बैड लक था हमारा कि मंदिर के अंदर मतलब कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हमें बाहर रख के जाना पड़ा और कैमरा बंद करना पड़ा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में दिए गए ऑल वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। इस वीडियो को अपने भाई बंधु यार दोस्त सभी के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि दोस्तों आपका थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए, इसीलिए दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं हीरो राय चौधरी साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।